केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री भेजी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत सामग्रियों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। इस राहत सामग्री में 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3500 पीपीई किट के अलावा अन्य मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री भेजते रहे हैं। हिमाचल राज्य में एक ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला किया है उन्होंने, और इस निमित्त इसके पहले भी आज जो ट्रकें रवाना की गई हैं, जो राहत सामग्री रवाना की गई है, उसके अतिरिक्त भी पहले भी वह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी सामग्री भेज चुके हैं। उनका यह संकल्प है कि हम एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करेंगे, और ऑक्सीजन बैंक इतना बड़ा होगा कि कम से कम 1400 बेड को बिल्कुल आसानी से, सुविधाजनक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया हो सके। मैं समझता हूं कि कोविड-19 के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक बहुत ही ये बड़ा प्रयास है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने कोरोना से जंग लड़ी है, उसमें हर सांसद का, हर सामाजिक कार्यकर्ता का, हर संगठन का और दायित्व बने और वो अपना कर्तव्य निभाएं, इसमें हम सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए जो 900 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स को रवाना किया है, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं 700 बेड की क्षमता हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनाऊं। मुझे प्रसन्नता है हम 1400 बेड की क्षमता अब तक बना चुके हैं। 900 कॉन्सेंट्रेटर्स आज जा रहे हैं, लाखों मास्क पहले दिए गए, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स और बाकी सब दिया गया है। एक प्रयास है कोरोना से जंग जीतने के लिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जहां डीआरडीओ ने अस्पताल बनाए, जल थल नभ की सेवाएं लेकर ऑक्सीजन की पूर्ति की गई, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है और सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, सांसदों ने, राज्य की सरकारों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया, ये एक प्रयास है कि देश एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रहा है और कोरोना से जंग जीतेंगे हम।